गेट पर श्याम जी का जो श्याम बाबा का मंदिर है, आप देख रहे हैं सावन है, कृष्ण की लीला है सब जगह और झूले जल रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग लहरिया पहनकर इस जो मंडल बनाकर हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है उसमें सभी लोग भजन कर रहे हैं और महिलाएं गीत गा रही हैं, डांस कर रही हैं और आनंद ले रही हैं। और कान्हा की जो प्रेम भक्ति है उसका तो आप लोग सभी जानते हैं किस प्रकार उनका प्रेम है कान्हा का, उसी प्रकार हम सखियाँ भी आपस में प्रेम कर कर और अपना आनंद ले रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कृष्ण की भक्ति में ये पूरी दुनिया डूबी है, एक बार डूब के देखिए आप, एक दूसरे की बुराई भलाई से हटकर और इन चीज़ों को छोड़कर आप एक बार शाम की भक्ति में आकर देखिए, उनके प्रेम में आकर देखिए, आपको खुद लगेगा वास्तव में कृष्ण के प्रेम में कितना आनंद आता है। भारती श्रीवास्तव, ये बड़े हर्ष की बात है कि मैं अजमेर क्षेत्र की सभी महिलाएं जो कि शाम की दीवानी है उनकी सहमति से एक नए मंडल का गठन किया गया जिसका नाम हमने रखा है श्री श्याम प्रेम सखी मंडल, जिसका प्रथम उत्सव आज लहरिया उत्सव से हमने मदार गेट के श्याम मंदिर पे मनाया है। और ये उत्सव आज बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने भाग लिया, अपने भजनों की प्रस्तुति दी है। हमारा उद्देश्य यही इसी मंडल को बनाने का है कि जो महिलाएँ बाहर कहीं जा नहीं सकती है, भजन नहीं गा सकती, तो मंदिर में आके अपने अपने भजन की प्रस्तुति दे। और भजन मंदिर के जो ट्रस्टी हैं गोपाल जी और विमल भैया हैं, उनका हमारा पूरा सहयोग रहा है। और हमारी बहनें हैं आशा जी और भारती जी, हमारी कई महिला बहनें हैं और हैं जिन्होंने अथक प्रयास से ये मंडल बनाया है। और हम इस मंडल को पूरे दिल और जान से इस मंडल को अच्छे से बनाएंगे और प्रदेश में इस मंडल का नाम होगा सुनीता शर्मा।